राजा की दयालुता देखकर गरीब ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, जब अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। वो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूरी दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। ये महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी शुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट होगा। जीमूतवाहन के इस तरह वरदान देखकर गरुड़ वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस चले गए। श्री जीमूतवाहन भगवान की जय। झोली खुशी।